सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढंग से आज ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ करीबन 10:30 बजे से। अभी तक मेरा घर का काम हो चुका है और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज। आप आज देख रहे हैं आज का मौसम है कुछ इस टाइप से, कहीं कहीं धूप है, कहीं हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है। तो आपको बता दूँ कि हल्का हल्का ऊना लगा हुआ है, ऊना यानी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, आज भी ऊना लग गया है गाइज। तो अभी बरसात का मौसम तो है लेकिन सुकीढांग क्षेत्र में ज़्यादातर कोहरा पड़ा रहता है और जगह तो धूप आती है, गर्मी होती है, तो यहाँ मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। तो आप देख रहे होंगे पीछे हमारा गांव दिख रहा है सुकीढांग का। आप सभी का हमारे सुकीढांग गांव, खूबसूरत गांव में स्वागत है। और यहीं से करीबन 2 किलोमीटर श्यामलाताल है और मैं आप सभी लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगी कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आपको भी दिखाऊंगी। और ऐसा ही अभी छोटा मोटा घर का काम था, तो आज संडे था तो कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं और क्षेत्र में जाना भी होता है, तो आज संडे के दिन थोड़ा बहुत हम लोग भी अपना अपना काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो संडे होता ही काम करने के लिए है, वो तो सभी को ही पता है कि अपने कुछ भी काम होता है तो बोलते हैं कि हम संडे के दिन करेंगे, और लगभग छोटा मोटा काम तो रोज ही होता है। तो आपको दिखा दूँ ये आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, यानी गर्मी से तो अच्छा है कि ऊनाई सहन कर लेंगे, गर्मी तो सहन होती नहीं है और हमने सोचा ऊनाई सही है हम लोगों के लिए। तो थोड़े थोड़े हमने अभी धूप आई दी थी तो कपड़े भी डाल दिए हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या कर रहे हैं करके और संडे के दिन क्या करते हैं करके, आपको मैं भी बताऊँगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं करके। अपने घर के छत से बना रही थी अभी तक मैंने दिखा रही थी, अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हल्का हल्का कोहरा आने लग गया है और एक साइड धूप लगी हुई है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मम्मी जी खेत में काम कर रही हैं यहीं पर, और हमारे पहाड़ी में तो भाड़ा कहते हैं, वैसे खेत हुआ, छोटा सा खेत है घर के नीचे ही, तो यहाँ पर मम्मी लगे रहती हैं छोटा मोटा काम। और वैसे तो नीचे के हमारे खेत, ये रोड है, रोड से जस्ट नीचे हमारे खेत हैं और ये अपनी छोटी बागवानी है, यहीं पर माल्टे हल्टे होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वहाँ पर NM सेंटर है सुकीढांग में, और यहाँ पर ये छोटा तो गाइज हमने अपने खेत में, वैसे तो नीचे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और एक हमने ट्रायल के लिए यहाँ पर एक कीवी लगा रखी है, कीवी का पौधा है, और एक उधर है तो आपको दिखा दें, एक यहाँ पर है। तो गाइज कीवी के पौधे की कुछ खासियत होती है लगाने की, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कीवी की पौधे की क्या खासियत होती है। इसमें दो पौधे होते हैं, नर और मादा, अगर आपने दोनों पौधे लगाए तो फल देता है, नहीं तो अगर एक ही पौधा होगा चाहे नर ही हो चाहे मादा तो कभी भी फल नहीं देता है। इसीलिए कभी भी आप कीवी लगाएंगे तो आप पूछ लीजिए कि नर मादा है या नहीं करके, और तभी फल देगा। तो हमने यहाँ पर दो पौधे लगा रखे हैं, एक नर है एक मादा है, तो जब भी कीवी लगेगी या कुछ भी होगा तो आपको दिखाएंगे। और गाइज आपको दिखा दूँ ये गन्ना है, ये बहुत ही बीमारियों में काम आता है गाइज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये गन्ना हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अधिकांश लोगों को पीलिया हिलिया होता है, तो इसमें से ये टहनी ले जाते हैं और इसको खाते हैं, तो इससे पीलिया बहुत ही आरामदायक होता है और पीलिया नहीं होता है, पहले का कहना है। और हम लोग भी इस चीज़ को मानते आ चुके हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर घर में लगा रखा है गन्ना होता है बैठने के लिए। हम लोग कुर्सी के ऊपर बैठते हैं और डॉगी हमारा कुर्सी के नीचे बैठ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो गाइज आज संडे है तो मुझे भी बहुत मौका मिल रहा है घर की चीज़ों को दिखाने के लिए। आपको मैं बताऊं तो हर चीज़ रख देते हैं किसी न किसी नाम से, तो हमने भी इस पाली हाउस का नाम आमा का पाली हाउस रखा है, और आमा का पाली हाउस में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो वाओ कितनी अच्छी, तो ये सब्जी यानी घर की टेस्टी सब्जी, ये है राई, राया हमारे पहाड़ी भारत में राया पात बोलते हैं। और यहाँ पर आमाई आती है ज़्यादातर, इस पाली हाउस में आमाई देखती हैं। और ये छोटे धनिया लगा रखा है, इसमें धनिया भी हुआ नहीं है और अभी फ़िलहाल राया हुआ है, राया
की सब्जी खाते हैं यहाँ से। ये आमा ने रखा है यहाँ पर पानी सिंचाई करने के लिए। तो गाइज हमारे पहाड़ में बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ होती हैं, जो जुगाड़ आपको भी दिख रही होगी। केवल पाली हाउस तो लगाने के लिए होता है, लेकिन हमारी आमा का जुगाड़ इस टाइप से होता है कि इसमें थोड़ी लकड़ी भी रख दें क्योंकि पानी नहीं आता है। और वहीं पर आमा ने ये दवाई डालने के लिए पंप भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जुगाड़ी आमा ने हमारी बहुत ही अच्छा जुगाड़ कर रखा है। सीजन में जब सब्जियां ज़्यादा नहीं होती हैं तो आमा ने सोचा क्यों ना यूज करना चाहिए, किसी न किसी चीज़ का यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो यूज के तौर पर यहाँ पर लकड़ियाँ भी रखी हैं, ये भी यूज ही है एक साइड से। आमा जाने लगी हैं, आप देख सकते हैं ठुमुक ठुमुक करके जा रही हैं आमा हमारी पाली हाउस में। और ये कुछ इस टाइप से दृश्य है, वहाँ से जाएंगी आमा, वहाँ से कुछ न कुछ लेके आएंगी। वैसे तो कुछ नहीं है, या तो जुगाड़ करके जो लकड़ी रखी है उसको लाएंगी, या फिर राया लाएंगी सब्जी के लिए। ये गई अंदर को जाने लगी हैं। ये हमारे गीजर, ये गाइज ये किस इस तरह से, ये तेल का टिन होता है वैसे, और तो इसको पापा ने जुगाड़ करके ये कर रखा है। ये लकड़ी इस टाइप से कर रखी है जिससे पकड़ने के लिए आरामदायक होता है। और इसको पहाड़ी गीजर बोलते हैं हमारे यहाँ, ये इसको तेल के टिन के कंटर कहते हैं। इसको कंटर का ये बना रखा है, आपको दिखा दे ये। तो गई जी एक जुगाड़ मैंने भी कर रखा है, आपको दिखा दें, क्योंकि हमारे यहाँ लिपाई पोताई का शुभ माना जाता है लिपाई पोताई करना। तो मैंने भी एक छोटा सा ये बना रखा है डिब्बा, इसमें हमने बना रखा है गोबर रखने के लिए। ये गोबर और मिट्टी रखते हैं इसमें। वैसा वाला किचन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक पहले चूल्हा बनाया था। मैं इसको इन चीज़ों के सहारे, ये जो मेरी टाइल हैं, ये टाइल अंदर लगाई थी तो बच गई थी, और वो है इसके सहारे मैं यहाँ पर एक आपको नया सा चूल्हा बना के, अच्छा सा चूल्हा बना के। तो गाइस फाइनली मैंने चूल्हा बना दिया है, और ये अभी लिपाई कर रखी है तो सूखा नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप बताना कि कैसा लगा। गाइज आपको बताऊं कि मैं घर के काम निपटाने के बाद मैं अभी कहीं गई हुई थी, और ये मेरी स्कूटी है, अपनी स्कूटी लेके गई थी। तो यहीं पर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर में स्कूल है, ये राजकीय इंटर कॉलेज सुगिढांग। और यहाँ से मैं अभी अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, तो आपको दिखाऊंगी बुआ के घर के खूब सुंदर फूल। तो गई यहाँ पर इन्होंने मधुवाड़ी का होम स्टे पहाड़ी खाना खजाना, ये यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और आप भी आ सकते हैं, होम स्टे भी है साथ ही में। और ये इन्होंने खूबसूरत फूल लगा रखे हैं। इन फूलों से एक फ़ायदा और होता है, मौन पालन यहाँ पर इन्होंने मौन पालन किया हुआ है, मौन मधुमक्खियों के लिए। तो ये फूल बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इन्होंने बहुत सारे बहुत ही प्यारे फूल लगा रखे हैं यहाँ पर। आपको मैं दिखाऊंगी, ये हमारी बुआ लोगों की गाड़ियाँ हैं, यहीं पर लगाते हैं। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो आज भी ऊना लगा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताती हूं और पहले भी। और सुकिढांग क्षेत्र ही ये, वैसे तो सुकिढांग नाम से तो ऐसा लगता है कि सूखा होगा, लेकिन है नहीं सूखा, क्योंकि यहां पर कोहरा हर टाइम रहता है और ठंडा बहुत होता है यहां पर। गाइस ये ऐसे बॉक्स तैयार करते हैं, और ये तैयार करके दूसरी जगह जाते हैं। बहुत ही बढ़िया दृश्य यहाँ आपको दिख रहा होगा, इन्होंने मधुमक्खियों के लिए इतने अच्छे फूल और शोभा भी दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे जौल में ही होम स्टे और मौन पालन का क्षेत्र जो भी है, मतलब पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से और रोज़गार की दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना रोज़गार कर रखा है। क्या है, हम बुआ के यहाँ फाइनली पहुँच गए हैं, और ये हमारी बुआ हैं, और वहाँ पर फूफा जी चाय में चर्चा कर रहे हैं, और बगल में हमारे यहीं के दादा हैं, आपको दिखाऊंगी मैं, और आपको
क्या कर रहे हैं करके भी पूरा दिखाऊंगी। गाइस जिन्होंने मौन पालन अपना शहद भी रखा हुआ है और इनकी शॉप भी है एक मेन मार्केट नीचे सुखी ढांग में जोशी मौन पालन के उससे, और ये पेयर घर का शहद है, इन्होंने हर सीजन का रखा हुआ है ये, और यहीं पर इन्होंने पैकिंग कर रखी है। ये चंपावत हिल एग्रो तेजपत्ता पाउडर, ये घर का प्योर पाउडर है। तो गाइज ये गिलोय का ये पाउडर है। तो गाइज आप देख सकते हैं, और ये मधुमक्खी के बहुत ही ज़्यादा बॉक्स हैं यहाँ पर। छत है इनकी, इनकी छत में नहीं क्योंकि भी इनके पास 100 से 200 के बीच में मधुमक्खी के बॉक्स हैं अभी। और आपको भी अगर शहद चाहिए होगा तो आप कह सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से भी, अगर आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए होगा तो। प्योर शहद मिलता है यहाँ, हर सीज़न का मिलता है दवाई। गाइस थोड़ी देर मिलना भी हो गया है और भी बुआ लोगों से बातें भी हो गई हैं और चाय पानी भी पी ली है, तो अब मैं चलती हूँ अपने घर। मैं फाइनली अपने घर पहुंच गई हूँ, अब मैं बनाती हूँ खाना। और आज की सब्जी में है ये, इसको वैसे तो बड़ी तोरिया बोलते हैं और लेकिन पहाड़ी भाषा में इसको चिचंडे बोलते हैं। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे और आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।